और यहाँ पर जितनी भी जनता हमारे सामने बैठी है, जो हमेशा हम लोगों का मनोबल बढ़ाती रहती है, उनका भी हम सम्मान करते हैं। और मुझे बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, आज मुख्य अतिथि अखिलेश यादव, जो नेताजी के बाद छोटे नेताजी, आज के बाद सब लोग नेताजी हमारे बीच में नहीं है। तो अब अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है कि नेताजी के आदर्शों पर चलकर, नेताजी के विचारों पर जल करके इस जसमन नगर क्षेत्र की जनता को कहीं पर दुखी नहीं होने देंगे। हमारे जसमन नगर क्षेत्र की जनता ने हमेशा संघर्ष किया है, इटावा के लोगों ने संघर्ष किया है, मैनपुरी के लोगों ने नेताजी के साथ संघर्ष किया है, तब नेताजी नेताजी बने। और हम यहाँ के लोगों को, जसवंत नगर के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। जब जब ऐसी संकट की घड़ियां आई, संघर्ष की घड़ियां आई हैं, तब इस क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं इन्होंने, और अपने लक्ष्य को प्राप्त हमेशा किया है। अब इस समय ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता में तो जाते नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों के बल पर, पुलिस के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र में ये तो जनता का चुनाव होता है, पुलिस प्रशासन का चुनाव नहीं होता है, पुलिस के अधिकारियों का चुनाव नहीं होता है। इनको तो केवल शांत व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं यहाँ की जनता को, हम लोगों ने कभी किसी को धमकाया? हम लोगों ने कभी किसी को धमकाया नहीं। हमने तो वोट जनता से मांगा है, गांव गांव मांगा है, और हम फिर जनता से मांगना चाहता हूँ। और जनता से ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है हमारे हमारे बूथ के जो प्रभारी है उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, नजर बंद कर सकते हैं, तो दूसरी टोली जरूर रखना।